पहले कोई तजर्बा भी नहीं था और ना इसके मराहिल पता थे, तो बहुत सारे स्टेजेस इसमें आए। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, अनाउंस करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इन फैमिलीज की, पूरे पाकिस्तानियों की दुआएं सुनी। और दूसरे और इसमें तीन नेशंस इन्वॉल्व थी, इंडियंस इन्वॉल्व थे, इजिप्शियंस जो फंसे हुए थे, कैप्टिव थे, होस्टेज थे और श्रीलंकन होस्टेज थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मराहिल गुजरने के बाद उनकी रिहाई अमल में आ रही है और इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द इस रिहाई के बाद जो है वो अपने अपने घरों को पहुँचेंगे। एक अगला मरहला है जो उनके ट्रैवल का है, ज़ाहिर है कि वो फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा सब्र का इम्तहान है। मैं इस मौके पे फैमिलीज को भी ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बेपनाह सब्र का मुजाहरा किया और अल्लाह ताला से अपनी आँख लगाई। और इस मौके पे मैं यकीन उन तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने जो इसके इंतजाम के हवाले से जो रकम दरकार थी उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने ताउन किया। मैं इस मौके पर अल्ताफ़ भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हर लम्हे पे रहनुमाई भी करते रहे और गाइडेंस भी देते रहे और फिक्रमंद रहे मुस्तकिल। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी मुस्तकिल जो भी मदद इसमें इन्वॉल्व हुई, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इसमें भरपूर मदद की। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, मैं इसमें क्योंकि ये इसमें बहुत सारे जो कि मैं यहाँ शायद डिस्कस ना कर सकूँ, बहुत सारे मराहिल इन्वॉल्व थे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक इशू था जिसको कि हम रिजॉल्व कर रहे थे। तो उसमें मैं जो बर वक्त मदद और जो सपोर्ट मिली है डी जी ISI अहमद शुजा पाशा साहब की, जनरल पाशा की, तो मैं उन्होंने तो मना किया था लेकिन ये बड़ी ज्यादती होती है कि इस पूरे ऑपरेशन में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली सपोर्ट किया और बिल्कुल साथ साथ रहे उनका नाम ना लूँ। मुखैर अजराज में भी मैं ज़रूर मेंशन इंशाल्लाह करूँगा उनकी इजाज़त से, क्योंकि उन्होंने जो भी इसमें मदद की उसमें उन्होंने यही कहा कि जी इसमें हमारा मेंशन ना करें, लेकिन ये इंसानियत के लिए और पाकिस्तानियत के लिए हम ये आगे बढ़े हैं। तो आप सबको बहुत मुबारक हो और पाकिस्तानियों को मुबारक हो, पूरे मुल्क को मुबारक हो कि हमने ये साबित किया कि पूरा चार इंसानी जानों का मसला तो था ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक नेशनल इशू था, पाकिस्तान पाकिस्तानियत का एक इशू था जिसको कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है और आज ये लोग इतने इम्तहानात के बाद